नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में तो 2 महीने से महिलाएं धरना दे रही हैं। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता बेतुकी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार पर सख्ती की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ही वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी बीजेपी को आईना दिखाया है। जब से मोदी सरकार देश में नया कानून लेकर आई है, तब से उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हंगामा खड़ा हो गया है। लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शाहीन बाग में तो पिछले 2 महीने से महिलाएं संविधान की सुरक्षा में धरना दे रही हैं। इनकी आवाज सुनने की बजाय सरकार इनकी अनदेखी कर रही है और प्रदर्शन को साजिश करार दे रही है। लेकिन अब बीजेपी की ही वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने अपनी सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग मुद्दों पर आधी आबादी का मुखर होना उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मुस्लिम महिलाएं धरना प्रदर्शनों में बड़ी तादाद में शामिल हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो या इंदौर। मुस्लिम महिलाओं के मन में ये जागरूकता और भरोसा पैदा हो गया है कि अगर भविष्य में उनके साथ कोई अन्याय होता है तो वे भी सड़क पर उतर कर अपनी बात कह सकती हैं। सुमित्रा महाजन ने कहा, अलग अलग मुद्दों पर महिलाओं का मुखर होना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। आज महिलाएं घर से निकलकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगा ही रही हैं। मैं उनके समुदाय के लोगों को धन्यवाद देती हूं, क्योंकि पहले ये महिलाएं इस तरह घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। बीजेपी की ही महिला नेता प्रदर्शनकारी महिलाओं की तारीफ कर रही है, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी उनके खिलाफ तीखे तीर छोड़ रही है। उन्होंने तो कई बार तल्ख टिप्पणियां भी की है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार सच्चाई को जानकर भी नहीं समझना चाहती। डीबी लाइव की रिपोर्ट।